आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ क्लास 8 CBSE अपनी ज़बान सबक नंबर 13 ख्वाब आज़ादी। अपनी आज़ादी का दिखा ख्वाब, देखा ख्वाब मैंने रात को। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, याद करता हूँ अपने ख्वाब को हर बात को। मैंने देखा कि मैं क़ैद से आज़ाद हूँ, यह हुआ महसूस जैसे ख़ुद मैं ज़िंदाबाद हूँ। आज मुझे क़ानून का डर क्या, मेरा क़ानून है खुद ही कूजा, खुद ही कूजागर वही मज़मून है। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं, वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फर्जंद हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम। जिस जगह लिखा है मत थको, मैं थकूंगा ज़रूर, अब सजावारी सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। एक ट्रैफिक के पुलिस वाले की कब ये मजाल, वे मुझे रोके मैं रुक जाऊँ ये ख्वाबो ख्याल। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहे चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूं और जिस जगह चाहे मुड़ूं। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज इस कानून के आखिर उड़ाऊं किस लिए। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ क्यों करूं। क्यों ना रिश्वत लूं कि जब हाकिम हूं मैं सरकार हूं। थानवी हरगिज नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। इसके बाद है, चोर बाजारी करूँ या शाह बाजारी करूँ, मुझको हक है जिस तरह चाहूँ मैं अपना घर भरूँ। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। मैं सितमगर हूँ, सितम शीशा सितम ईजाद हूँ, मुझको ये हक पहुंचा है सबको मैं आज़ाद हूँ। यक बयक जब नींद से चौका तो देखा ये हकीर, अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों का है असीर। शौकत थानवी की लिखी हुई है ये, और इसके अल्फाज है, कूजा मिट्टी का प्याला कुल्हड़, कूजागर कूजा बनाने वाला कुम्हार, फर्जंद सज़ा के लायक, यक बयक अचानक यकायक, हकीर कमतर असीर कैदी। ये अशार है और इसकी तशरीह है। तशरीह लिखने का तरीका यही होता है, सियाक व सबाक और ये सब बातें लिखेंगे, तशरीह करेंगे। यहाँ पे भी तशरीह हुई है, आप देख सकते हैं इसकी तशरीह, यहाँ पे तशरीह है और आप तशरीह चेक कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। अगले पेज पे भी तशरीह है, यहाँ पे पूरी बुक में आपको तशरीह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तशरीहात जो हुई हैं आप इनसे आसानी से देख के लिख सकते हैं, हर शेर की तशरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है आगे भी है तशरी, एक पेज और है इसका तशरी का, आप यहाँ से तशरी आसानी से लिख सकते हैं। मरकज़ी ख्याल क्या है इस नज़म का, ये पढ़ लेते हैं। ये एक तंजिया नज़म है। इस नज़म के ज़रिए शायर शौकत थानवी ने माशरे पर तंज किया है कि किस तरह की बदउनवानियों से हमारे माशरे की बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है और किस तरह लोग आज़ादी का नाजायज इस्तेमाल करके मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब इसकी खूबी, शायर ने जवाब में क्या देखा, शायर ने जवाब में आज़ादी मिली, ये सब हैं। शायर को बेखौफ होने की क्या वजह है, ये सारे सवालात आप यहाँ से इसमें से देख के उतार लीजिएगा। अगले पेज पे भी कुछ और सवालात हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिसरे मुकम्मल कीजिए, पहले से ही मुकम्मल हैं। जुमलों में इस्तेमाल करने का तरीका बता रखा है कि वो लफ्ज़ आना चाहिए और एक कोई मतलब बनना चाहिए, जैसे एहतराम, हमें बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, हमें माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, सजावार और इस तरह। मुतजाद अल्फाज आ गए, मुतजाद कहते हैं उल्टे, अपोजिट, ठीक है। विलोम, आज़ादी ग़ुलामी, क़ैद आज़ाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ग़ुलाम आका, असीर आज़ाद, बर्बादी आबादी। दार लगा कर लफ्ज़ बना, ईमान दार, वफा वफादार, चौकी चौकीदार, इज्जत इज्जतदार, थाने थानेदार। अमली काम है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, ये अमली काम है, ये सारे पढ़े और लिखे हैं। हम का इस्तेमाल हुआ हो, हम नाम, हम मजहब, हम शक्ल, हम उम्र, हम सफ़र,
तो ये यहाँ पे पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा, मेरे नज़्म पढ़ने का अंदाज़ आपको ये जो है पढ़ने का अंदाज़ कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं अच्छा लगा या नहीं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं, सब बताएं हमें। शुक्रिया।